नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है, जिस पर बहस अब गर्मा गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही है। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म छोड़ इसलिए रही हैं क्योंकि उनको अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की है ताकि वहां उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। मौलाना मदनी की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है, जिस पर अब बहस गर्मा गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। और गुलजार आजमी सचिव हैं जमीयत उलेमाए हिंद, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जमीयत उलेमाए हिंद का ये कैसा फरमान है? ये इस्लामी फरमान है जी, और संविधान जब कैसा फरमान है, मैं कह रहा हूं इस्लामी फरमान है। इस्लाम ने मर्द और औरत जो नामहरम है उनको इकट्ठा होने के लिए भला किया है। उनकी मिसाल आग और लकड़ी से दी है कि जिस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा है जी। और यहाँ पर संविधान जब बेटा बेटियों में फर्क नहीं करता है तो ऐसे बयान का क्या मतलब निकाला जाए? नहीं देखिए, इस्लाम, हम इस्लाम को मानते हैं, हम मुसलमान हैं। इस्लाम जो कहेगा हम उस पर अमल करेंगे और इस मुल्क में हमको इस्लाम पर चलने की आजादी है। हमारे दस्तूर में लिखा है कि हर शख्स अपने मजहब पर मुकम्मल तौर पे आजाद है अमल करने के लिए, हम उस पर अमल करेंगे जी। यानी कि आपका ये कहना है कि संविधान को आप नहीं मानेंगे? नहीं है गुलजार साहब, आपका ये कहना है कि संविधान को आप नहीं मानेंगे? संविधान की बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आजादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। और संविधान ने यह भी कहा है कि बेटा और बेटी एक ही हैं। क्या देश को पीछे ले जाने वाला बयान नहीं लग रहा है आपको ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश मुसलमान आगे बढ़ रहा है, मुसलमान पीछे नहीं हट रहा है। आप दुनिया में देखिए, ये तो एक शब्द आप लोगों को सवार हो गया है कि मुसलमान जो है वो पीछे जा रही है। मुसलमान औरतें बहुत आगे जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कई राजनीतिक दलों की ओर से गुलजार साहब ये बयान भी आए हैं जिन्होंने आपके फरमान का विरोध भी किया, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। भले करे, भले कोई भी करे, हम मजहब के मुकाबले में किसी सियासी पार्टी को नहीं मानते। हमारा मजहब पहले, उसके बाद कुछ सब कुछ। जहां हिंदुस्तानी का सवाल आएगा वहां हिंदुस्तानी पहले, जहां मजहब का सवाल आएगा वहां मुसलमान पहले जी। और गुलजार साहब, ऐसे फरमान से आखिर कौन सा मकसद पूरा होने वाला है जमीयत उलेमाए हिंद का? यही मकसद पूरा होने वाला है कि जो फसादात होते हैं कि फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, फला लड़का फला लड़की फला लड़के के साथ भाग गई और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों का फसाद होता है, ये उस पर रोक लगाएगा। और गुलजार साहब, ये क्या जिद है या इससे मुस्लिम बेटियों की कोई तरक्की होगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होगी, वो अपने कॉलेजेस में मुसलमान बच्चियां पढ़ सकती है, आला से आला तालीम हासिल कर सकती है। इस्लाम उसको नहीं रोकता। इस्लाम गैर मुस्लिम, गैर महरम और महरम के मामलात में रोकता है कि एक शख्स जिसका निकाह उस लड़की से हो सकता है वो उसके साथ अलग-अलग नहीं रह सकती बगैर निकाह के, इस्लाम उसको रोकता है जी। और तालीम को नहीं रोकते हम, अय्याशी और बदमाशी को रोकता है इस्लाम। गुलजार साहब, क्या ऐसे फरमान से आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल दूर हो जाएंगी।
इस मुल्क का फसाद बंद हो जाएगा। ये जो मोहब्बत लड़की की जाती है कि फलां लड़के ने फलां लड़की को लेकर चला गया मुसलमान और उसको पीटो और उसको मारो, ये सब बंद हो जाएगा जी। और बीजेपी का यहाँ पे कहना है, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो करना हो कार्रवाई कर लीजिए। हम कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की तालीम बात पर अमल करेंगे, आपको जो करना हो हमारे खिलाफ कर। और आपका जो मुस्लिम समुदाय है क्या ये फरमान मानने को तैयार होगा? बिल्कुल मान रहा है, भाषा की बात करती हैं आप, मान रहा है मुसलमान जी। और गुलजार साहब, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। मैं कहता हूँ कि मुसलमान शरीयत पर अमल करेगा, मुख्तार अब्बास क्या कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं उसका। बिल्कुल, यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि इस फरमान के जरिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं खासतौर पर, उनकी तरक्की होगी? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाना जानते हैं, मुसलमानों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया है, मुसलमानों ने जामिया मिलिया बनाया है, हम और कॉलेजेस बनाएंगे मुसलमान लड़कियों के लिए, मुसलमान मोहताज नहीं है इस मुल्क में। आपने कहा कि मुसलमान बहुत भली भांति जानते हैं कि किस तरह से अपनी लड़कियों को परवरिश देनी है, लेकिन फिर आप ही ऐसा बयान देते हैं कि लड़कियां भाग जाती हैं या किसी और के साथ चले जाती हैं। तो जो हो रहा है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये हो रहा है और मैं मखलूक तालीम की वजह से हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मखलूक तालीम नहीं रहेगी, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियों की बात करते हैं कि उनकी तालीम भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। और गुलजार साहब, कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं भी होंगी जो ये फरमान अगर नहीं मानेंगी तो क्या आप इसको जबरन थोपेंगे उनके ऊपर? देखिए, तो इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता, जो इस्लाम के अहकाम को मानता है वो मुसलमान, और जो मुसलमान इस्लाम के अहकाम को नहीं मानता उसका नाम गुलजार आजमी हो तो हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता जी। तो ये भी तो महिलाओं की इच्छा है, वो जिसके साथ भी जाना चाहे, ये भी तो संविधान में लिखा है, ये भी तो उनकी आजादी है। हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है, आप संविधान की बात कर रही है, मैं कहता हूँ संविधान ने हमको ये हक दिया है कि मुसलमान अपने मजहब पर अमल करे, अपनी मजहबी तालीमात को फरोग दे और उस पर चले, ये हमको दस्तूर हिंद ने आजादी दे रखी है। बिल्कुल, और गुलजार साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या आप भारत में ही रहकर भारत के संविधान को मानने को तैयार नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भारत के संविधान को मान रहा हूँ और भारत के संविधान ही ने हमको ये आजादी दी है कि हम अपने मजहब पर चलें और हमें उस पर कोई रोक नहीं सकती हुकूमत हमारे मजहब पर चलने से। बिल्कुल, और आजादी का अधिकार तो सभी के पास है, उसके बाद फिर सिर्फ केवल महिलाओं के लिए इतनी चिंता आखिर क्यों? उनको क्यों नहीं आजादी मिल रही है? उनका भी, उनकी भी जो मर्जी है उनके हिसाब से, उनको हम अपनी महिलाओं के लिए चिंता कर रहे हैं, आपका क्यों दर्द हो रहा है? हम अपनी महिलाओं के लिए चिंता कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यहाँ पर तकलीफ की कोई बात नहीं है गुलजार साहब, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि महिलाएं किसी और के साथ चली जाती हैं, तो ये उनकी भी मर्जी है कि वो किसके साथ जाना चाहें, वो कहाँ पर अपनी शिक्षा लेना पसंद करें, ये उनकी भी तो मर्जी है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। यानी कि आप इस्लाम को संविधान से बड़ा मान रहे हैं, भारत के संविधान को आप मानने से मना कर रहे हैं, जहाँ पर अधिकार बराबरी का अधिकार है बेटा और बेटी दोनों का। उसी वक्त रहेंगे जब आप अपने मजहब को मानेंगे, और आप ये घड़ी से घड़ी संविधान की बात मत कीजिए, हमको दस्तूर हिंद ने आजादी दी है कि हम अपने मजहब पर चले, हमको संविधान ने यह हक दिया कि हम अपने मजहब पर चले, क्या घड़ी आप कह रही है संविधान जी। और गुलजार साहब, क्या इस्लाम में ये भी कहा गया है कि महिलाएं जो हैं वो गुलाम हैं पुरुषों की? इस तरह के फरमान आगे नहीं क्यों आते रहते हैं महिलाओं के लिए? इस्लाम ने जो इस्लाम ने मुसलमान औरतों, सुन लीजिए आप जी, इस्लाम ने औरतों को जो हक दिया है किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने कहा माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये किसी और मजहब ने नहीं कहा है, ये इस्लाम ने कहा है।
आप क्या बात करती हैं इस्लाम के तल्लुक, पहले आप इस्लाम को जानिए, इस्लाम को पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। जी गुलजार साहब, आपकी और तालिबान की सोच में क्या फर्क रह गया फिर, अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो, महिलाओं को लेकर खास तौर पर, वो भी तो वही तरीके की चीजें कर रहा है जो आप कह रहे हैं। देखिए आप तालिबान की बात यहाँ मत कीजिए, इस्लाम की बात कीजिए। तालिबान की बात मत कीजिए, इस्लाम की बात कीजिए। अगर तालिबान इस्लाम पर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो वो भी खराब है हमारे नजदीक। महिलाओं की इस्लाम को जानते हैं। बिल्कुल गुलजार साहब, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर भरोसा नहीं है, उनकी शिक्षा पर भरोसा नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो और कहीं और किसी और के साथ भाग जाती हैं, क्या आपको उनकी परवरिश पर भरोसा नहीं है? उनकी परवरिश पर भरोसा ना होना मतलब आपकी खुद की परवरिश पर आपको भरोसा नहीं? इकट्ठा रहेंगी, यानी आप सुन लीजिए, आग और लकड़ी इकट्ठा रहेगी तो आग लगेगी ही लगेगी। ये मत कीजिए आप, ये मत कहिए आप। जब बेटा बेटी दोनों एक है तो ये आग और लकड़ी का कॉन्सेप्ट कहाँ से सामने आ रहा है, जब संविधान ने कहा है कि बेटा और बेटी एक ही है? क्या आप बेटा और बेटी में फर्क करते हैं? फर्क है नहीं, यही गुलजार साहब, इसका मतलब आप बेटी और बेटी में फर्क कर रहे हैं साफ तौर पर, ये कहिए। आप ऊपर और नीचे देखते हैं, बेटा और बेटी में फर्क करते हैं? सामने किया हुआ है, दो लड़कियों के बराबर एक लड़का है हमारे यहाँ इस्लाम में, आप ये समझ लीजिए। इस्लामी तालीम है दो लड़के दो औरतों के मुकाबले में एक मर्द, आप क्या बात करेंगे इस्लाम के ताल्लुक से मुझसे? यानी कि बेटियों को इस्लाम में नीचे तबके में देखा जाता है, वो नीचे है बेटों से, यही कहना चाह रहे हैं? नीचे तबके में नहीं रखा, नहीं नहीं नीचे तबके में नहीं रखा, मैंने तो बताया कि इस्लाम ने जो औरतों को आजादी दी है वो किसी मजहब ने नहीं दी है। तो ऐसी किस तरह की आजादी की आप बात कर रहे हैं कि वो जब अपनी ही मर्जी से कोई काम खुद से नहीं कर सकती हैं? उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनको कहाँ शिक्षा चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहती है? इस्लाम के खिलाफ अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, बिल्कुल। इस्लाम के पर्दे में रहते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी चलाएंगी, इस्लाम के मुकाबले में अपनी मर्जी नहीं चला सकती। दायरे में रहते हुए मर्जी चलाएंगी, लेकिन क्या उन मुस्लिम महिलाओं से गुलजार साहब किसी ने पूछा उनकी क्या मर्जी है? उनसे क्या पूछा गया उनकी क्या मर्जी है? उनकी मर्जी के खिलाफ आप लोग तो बहुत सारे बयान दे देते हैं, लेकिन उनसे क्या पूछा गया? नहीं, हमें पूछने की जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की तालीम क्या है वो बताना है, जिसको मानना वो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने। और इस्लाम की बिल्कुल, और ऐसी कई महिलाएं हैं जो आपने इससे पहले खुद ही बयान दिया है, जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने, कि वो किसी और के साथ चली जाती हैं, तालीम तो उनको दी जाती होगी ना, उसके बाद वो फैसला करती है जाना किधर है? वो हकीकत है, वो हकीकत तो जाए, लेकिन वो ना जाए उसका हमको करना चाहिए। देखिए पानी अगर कहीं बह रहा है तो वहां आपको लगाना पड़ेगा बंद, हम बंद लगा रहे हैं, इस्लाम बंद लगा रहा। अब मेरा वक्त हो चुका, अब मैं नमाज का वक्त है, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 50 तक बात करूंगा, 55 हुआ चाहता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलजार साहब जुड़ने के लिए हमारे।